नमस्कार, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहित खान। टेस्ट में पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज आबिद अली को बीच मैच कराना पड़ा अस्पताल में भर्ती। घटना को देख सभी हुए हैरान। दरअसल पाकिस्तान में प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट कायदे आजम ट्रॉफी में कराची के UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बीच मुकाबला खेला जा रहा था। टेस्ट में पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज आबिद अली को मैच के दौरान सीने में दर्द की शिकायत के बाद निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आबिद ने दो बार सीने में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद टीम के मैनेजर अशरफ अली ने उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराने और जांच कराने का फैसला किया। आबिद को बल्लेबाजी के दौरान दो बार दर्द हुआ था। जब वे ड्रेसिंग रूम में लौटे तब वे 61 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक बयान के अनुसार आबिद को तत्काल अस्पताल ले जाया गया। वह अभी कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट की देखरेख में है, जो आगे के इलाज के संबंध में PCB मेडिकल टीम के साथ संपर्क कर रहे हैं और आबिद अली अभी ठीक हैं। इसी बीच आबिद ने अपने संदेश में अपने प्रशंसकों को उनके कठिन समय के दौरान समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। अनुभवी बल्लेबाज ने अस्पताल में भर्ती होने के बाद होने वाले प्रोसेस के बारे में भी अपडेट साझा की। आबिद ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूं कि मैं अभी ठीक हूं। मैं आप सभी से मेरे लिए प्रार्थना करने का अनुरोध करता हूं, क्योंकि कल मेरा एक और चेकअप प्रोसेस है। इसलिए मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों, प्रशंसकों और अपने सभी शुभचिंतकों से मेरे लिए प्रार्थना करने का अनुरोध करता हूं। आबिद अली हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ चट्टोग्राम और ढाका में दो मैचों की टेस्ट सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे। अनुभवी बल्लेबाज ने 87.66 के औसत से 263 रन बनाए और पाकिस्तान टीम को 2-0 से सीरीज जीतने में मदद की। उन्होंने 2019 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। तब से उन्होंने 16 मैच में 49.16 के औसत से 1180 रन पाकिस्तान की टीम के लिए बनाए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट के लिए आप बने रहें।